बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत नूर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको, आप सबको और तमाम जो हमारी मुसलमान बहन भाई हैं सबको सलामत रखें और जो है बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त और अपने अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें। और जी, मैं बनाने लगी थी गोभी चिकन और ऐसा जो हमारी फैमिली के हिसाब से गोभी का फूल था वो बड़ा था, लेकिन ज़ाया तो नहीं करना। और आधा मैं जो है वो अभी बना लूँगी और आधे को जो मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और फ्रीज़ किया हुआ जो गोभी है वो भी ख़राब नहीं होगी, उसका ज़ायका भी वैसा ही रहता है। तो मैं फिर कभी बनाऊँगी तो उसमें यूज़ कर लूँगी इसे। गोभी में जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डालूंगी। प्याज़ इस्तेमाल नहीं होती है। घी को मैंने गरम कर लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और आप लोगों से आज एक थोड़ी सी दिल की बात जो है वो करनी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि करूं, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा कि नहीं या ना करूं, क्योंकि इस वजह से मैं काफ़ी दिन से देख रही थी काफ़ी सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि दो महीने से सिर्फ उन्होंने दो मंथ से स्टार्ट किए हैं और उनके इतने ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर्स जो है इंक्रीज़ हो गए हैं, उनका बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो मैं ये नोट कर रही थी और कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि मेरी जैसे मुस्लिम बहनें हैं और हाउसवाइफ हैं, मेरी तरह घर बार संभालने वाली बहनें हैं, वो अपना ख़ुद को शो नहीं करती हैं तो उनके व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो दिल को ये बात थोड़ी सी जो है डिसार्ट कर रही थी और हमारा जो हौसला है वो भी कम हो रहा था कि सोच रही थी कि आगे से ये वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, शेयर करूं ना करूं, क्योंकि इस तरह से मैं अपना भी टाइम वेस्ट कर रही हूं और जो थोड़े बहुत मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका भी टाइम मैं वेस्ट कर रही हूं, क्योंकि जिनकी वीडियोस मैं देखती हूं और मुझे पूरा यकीन और पूरा पता है कि वो बहन भाई मेरी वीडियोस भी देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। हम एक दूसरे को बिल्कुल जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं किसी पे फजूल बात नहीं कर रही हूँ और ना ही किसी पे इस तरह से बात करना अच्छा लग रहा है, लेकिन एक जो हैं यूट्यूबर हैं कमली गर्ल के नाम से, उनको मैंने देखा, उनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं और वो ख़ुद को भी शो कर रही थी। और एक और हैं मैमुना मुस्लिमा, मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, अब भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और उनका पहले एक चैनल था और ब्यूटी के हवाले से, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रिव्यू करती थी वो, उसके हवाले से या वो देसी टोटके शेयर करती थी। अब जो है उन्होंने उनका वो चैनल बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, वो ख़ुद बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, उसके बाद अब उन्होंने कुकिंग चैनल स्टार्ट किया है। अभी कुछ एक हफ़्ता ही हुआ होगा उन्होंने कुकिंग चैनल स्टार्ट किया है लॉकडाउन के दौरान, तो उनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी उस चैनल पे आ गए और जो है उनका बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आने लग गए। और कुछ ख़ास वो शेयर नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी तो समझ नहीं आ रही थी अपने प्यारे बहन भाइयों की कि वो किस तरह से जो है वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। और जो मेरी तरह सादी सी बहनें होती हैं, हम मेहनत भी कर रही हैं अपने बच्चों के साथ, थोड़ा सा जो है वो भी कर रही हैं कि फुल टाइम हम मोबाइल को दे रही हैं, बच्चों को भी उनका भी थोड़ा सा ज़िया हो रहा है कि बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन उसके बावजूद और जो है हस्बैंड का भी हमें उनकी भी ज़िम्मेदारी जो है वो अदा करनी होती है। उनकी 100 मसले होते हैं कि जैसे मेरे हस्बैंड हैं उनको जॉब पे भी जाना है, अब अभी भी इस लॉकडाउन के दौरान भी वो जॉब पे हैं और वो नहीं छुट्टी कर सकते क्योंकि वो एक गवर्नमेंट अदारे से जो है उनकी नौकरी है, गवर्नमेंट अदारे में उनकी नौकरी है, इसलिए।
तो बस दुआ ही कर सकती हूँ, क्योंकि ख़ुद को शो करने की जो है अभी इजाज़त नहीं है, हस्बैंड और जो बाकी घर वाले हैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह पाक हमें कामयाब करें, और जो मेरी प्यारी बहनें हैं, जो मेरा चैनल जो है जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, अल्लाह पाक उनको कामयाब करें। और मैं उनकी वीडियोस जो है बहुत शौक से देखती हूँ, और सबके नाम तो नहीं ले सकती, और कुछ के नाम मुझे याद हैं, और वो रेगुलर जब भी उनकी वीडियोस आती हैं मैं देखती हूँ, और मैं उनकी फुल वीडियो वॉच करती हूँ। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हमें अप्रिशिएट करें और वीडियोस को फुल देखा करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मैं रेसिपी के बारे में इतनी बात तो नहीं कर सकी, इतना बता तो नहीं सकी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, और आप लोगों को रेसिपी भी मेरी पसंद आई होगी। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं। साथ ही साथ मैं जो है अब कस्टर्ड बनाने लगी थी, उसमें मैंने दूध में एक इलायची डाल दी थी, और उसके बाद दूध को बॉईल करूँगी, और उस कस्टर्ड को जो है 1 गिलास दूध मैंने रख लिया था, उसमें कस्टर्ड को हल कर दूँगी, और बनाना और स्ट्रॉबेरी मैं इसमें यूज़ करूँगी छोटा छोटा जो है इसको चॉप करके, और अभी मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी वीडियोस बनाने में, और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप सब लोगों की दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।